मेरी हॉर्स पावर कम हुई है लेकिन अंदर की पावर है, आज भी आवाजें वही आती हैं। अच्छा कभी भी आप तशरीफ लाए लाहौर शहर के अंदर, मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा, ऐश करेंगे और क्या। तो मेरा एक कैरियर था सियासत का, एक था उलमा काउंसिल के अंदर जो था, जी जी आपका बहुत बड़ा, तीसरा है फिटनेस मॉडल का, कोंकला छुपाए जो मेरा ये क्या है। बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं खालिद बड़ा, आप देख रहे हैं बी स्पोर्ट्स पर मार्शल स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स, और जैसे जैसे पीएसएल अपने मज़ेदार मरहले में दाखिल हो रहा है, मैं भी बड़ा मज़ा आ रहा हूँ, होपफुली आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। मामला सख्त हो गया, आपने देखा कुछ मैचों में लड़ाइयाँ भी नज़र आना शुरू हो गई हैं, जिससे वो क्रिकेट में कहते हैं एग्रेशन होता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो आपने देखा सरफराज का शाहीन से लड़ाई हो गई, हालांकि काफ़ी दोस्तों का कहना है कि शाहीन को चाहिए था कि वो बॉल यूं फेंके उसके लिए और सरफराज को स्वीप करें और सब तालियां बजाएं कि बहुत ही कोई ग्रेट आदमी है, लेकिन वो नहीं हुआ और लोगों ने बड़ी तनकीद की और फिर कुछ गंद इसमें आ गया, कुछ पेड किस्म के ट्रोल्स आ गए और उन्होंने कुछ और तरफ लेके जाने लगे इसको, बड़ी गलत बात है। वो भी पूछेंगे हमारे हमारे एक्सपर्ट जिनको हमारे लिहाज से ज़्यादा क्रिकेट पता है, वो फैज़ान भाई हमारे, फैज़ान नजीब साहब आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जी जी आपका शुक्रिया। और आज के जो स्पेशल मेहमान हैं जी जी, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो सियासत से उनका ताल्लुक़ रहा है और अंबूर में वो रहे हैं, बड़े अच्छा एक प्रेजेंट करते हैं एक ख़ास उसको, मैं अशरफ साहब आपका शुक्रिया, अशरफ ताई बोल रहा हूँ, अशरफ ताई एक ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाटी साहब आपका। अपना नाम आप खुद ही बता देना आज। मैं मौसूफ ताहिर आधे लोग आपको पहचाने नहीं होंगे, मैं बता दूं इन्होंने अपना वजन जो है गालिबन कोई 40 किलो वजन कम किया है। तकरीबन यकीन करें जीरो कैलोरी डाइट। अच्छा। और नो जंक फूड, नो फास्ट फूड। अच्छा, क्योंकि वो मैं आपका नया दौर पे एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो आपने कहा है कि मैंने सिर्फ आठ घंटे सो लें अगर आप तो आप वजन कम कर सकते हैं, ये भी एक साइंस। देखें नहीं, जो टेक्निक आई है फिटनेस की लोग तो फॉलो नहीं करते जी जी, उसमें ये है कि आप सो के अपनी कैलरी को बर्न के करीब लेके जा सकते हैं। बर्न के बर्न कर। अच्छा बर्न। टोनी ह्यूज नाम है एक शख्स है जो मेरा दोस्त है, उसने कहा है। टोनी सॉरी सर क्या है? टोनी ह्यूज ठीक है। ह्यूज अच्छा, बड़ा ट्रेमेंडस गाय है टोनी एंड ह्यूज, मेरा दोस्त भी है अब तो। साथ ही एक क्रिस गेथन, सॉरी क्रिस गेथन जो है बहुत अच्छा, इसकी बॉडी तो मैं अब जो है मेल फिटनेस मॉडल की जानिब गामजन हूं। अच्छा, आप यानी कि ताहिर अशरफी आपको उस लुक में नजर आएंगे। अरे खास रे यार, टेस्ट हुआ है सर आपका? टेस्ट तो आपका मिर्चा आ जाता है उसमें, उन्हें पूरी ट्रैफिक पुलिस वाले जो अमेरिका में, वो टेस्ट मेरे सारे पॉजिटिव हैं, जो गिर गए उनको लगा दे पहले। ये खास रे यार सर, खास रे क्योंकि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, सेफ्टी फर्स्ट और सैनिटाइजेशन बड़ी जरूरी है हाथों में, आजकल आपको पता ही लग जाता है, आपको पता ही इसका नाम क्या है, कार्ब है इसमें 25 सैनिटाइजर में क्या गुड फैट्स इतने हैं इसमें, तो कैलरी बढ़ी है नहीं है, पी के देखें वाला है सर, हाथों वाला मुझे पसीना आ गया था, पी के तो देखें सर ये क्या कर रहे हैं सर। नहीं नहीं ठीक है ठीक है सर, फैजान साहब क्योंकि एक ही हाथ आपने मिलाना होता है, दूसरा तो मिलाना नहीं होता, ये बात भी है, दूसरा आप भले कहीं भी ले जाए। सर ये फैजान साहब है, क्रिकेट पर बड़ी गहरी नजर है इनकी, खासकर पीएसएल पे बहुत गहरी नजर है, और पीएसएल के लिए आपको बुलाया। ये मुईन खान के बेटे को क्यों इन्होंने कहा कि ये इसको पतला, इसकी पावर खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बात, क्योंकि जो बॉडी के मसल की जो ताकत है वो जितना कम होगा उसकी पावर जो है वो कम होगी। अच्छा ये बात ठीक है, पता नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनकी भी पावर कम हुई है कि इन्होंने, आपकी पावर, मेरी हॉर्स पावर कम हुई है लेकिन अंदर की पावर है, आज भी आवाजें वही आती हैं। अच्छा जी ठीक सर, तो आप कैसे देख रहे पीएसएल को सर? मैं यूं तो मैं ऐसे ही देख रहा हूं, मैं बताऊं मैं ऐसे ही देख रहा हूं। हाँ। लजार एंजलोफ इतना जबरदस्त कटी हुई बॉडी, लजार एंजलोफ
लजार एंजेलो। ये क्या है? ये क्या सर? बहुत अच्छा फिटनेस मॉडल, बेहतरीन, खूबसूरत, खूबरू लड़का। मैं कहता हूँ कि अंत है वो, अंत। अच्छा, वैसे सर अब क्रिकेट से आपको शौक है? क्रिकेट का क्योंकि स्पोर्ट्स से मेरा रिलेटेड हूँ तो बहुत सारे शौक है। एक अरसा मैंने स्पोर्ट्स में लगाया है। अच्छा सर, क्या हुँ? मैं खोखला छबाके आई जुनर आया था ही है ये बचपन से चलते चलते बड़े हुए। कौन सी सर? कौन सी? ताकतवर के साथ होते हैं उसकी हुकूमत, तो जिस ताकतवर, जिस बादशाह की, दूसरे मुल्कों के बादशाह भी इनको बड़ा। अच्छा, जब सीट की जो गाड़ी है जो है वो अलग है। अच्छा। वो भी एक से एक है लड़की। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं, एवोल्यूशन के नाम से उसका अकाउंट है। बच्ची बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बच्ची है भाई। आप सर आज के मैच में फैजान साहब, हाँ जी, आप कैसे देख रहे हैं आज के मैच? भाई दो मैचेस है, डबल हेडर है, पहला इस्लामाबाद और पेशावर का। हाँ, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से, मैं ताल्लुक से मुराद ज्यादातर इस्लामाबाद। अच्छा। वैसे मेरा ताल्लुक सऊदी अरेबिया से है लेकिन इस्लामाबाद में भी पाया जाता हूँ। लेकिन रिहाइश मेरी लाहौर शहर में है। अच्छा, कभी भी आप तशरीफ लाए लाहौर शहर के अंदर, मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा, ऐश करेंगे और क्या। अच्छा, फिरेंगे ऐश करेंगे। आप कुछ कह रहे डबल एड्रेस, मैं जानना चाहता हूँ ऐश में क्या क्या है। वो तो छोड़ दी सर। उस दिन मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने ये पेड़े वाली लस्सी साइड में की, उसको नुकसान हो गया, शेयर गिर गया उसके। अच्छा, ये रोनाल्डो ने सर किया स्पोर्ट्स की? उसने किया होगा, किया होगा, हमने अपनी जगह किया। उसने कोक को किया, आप लोग तो नहीं पीते हुए? मैंने ये किया था फरूटों के डब्बे को, फरूटों के डब्बे में जितनी कैलोरी है और वो जो जितना नुकसानदेह है। जब से मैंने अपने आप को स्लिम टोन्ड बॉडी मैंने की है, उस वक्त अब तो मैं साइज जीरो की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। आपने छोड़ दिया सर? मैंने बहुत अच्छे, उसका कोई फायदा नहीं, कैलोरी बहुत है। ड्रिंक्स फिर ज्यादा करो तो आपका टी लेवल, टेस्टोस्टेरोन को जो जिम वाले वगैरह टी, उसका जो टी लेवल है वो डाउन, तो आपका मसल ही नहीं बनेगा। मसल नहीं बनेगा सर, ये डबल आपने मसल ही नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं, मसल ही नहीं बन रहा। डबल हेडर सर, 25 ग्राम जो है वो आपने प्रोटीन स्कूप की सूरत में आपने शेकर में लेकर डबल हेडर की आप बात कर रहे हैं? डबल हेडर है जी, किस किस का डबल हेडर है? इस्लामाबाद और पेशावर पे, यानी कि टू। हाँ, पहला गेम इस्लामाबाद पेशावर, इस्लामाबाद पेशावर में। मजेदार बात यह है कि मुझे आखिरी बार याद भी नहीं इस्लामाबाद ने पेशावर को हराया कब था। अच्छा, मतलब 2019 तक तो मुझे नहीं याद है कि। अच्छा, ये हुआ इतने, हाँ दो साल तो हो गए। सलमान क्या बात की है, सलमान सलमान कर गया मैं डायरेक्ट फैजान जी 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 प्लीज। तो ये जो है अगर अभी भी देखें इस्लामाबाद पेशावर, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है पेशावर के नजरिए से, स्पेशली अगर देखें उनको जीतना है, उनके लिए ज्यादा वो है। इस्लामाबाद तो पेशावर के क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, वहां पर एक कढ़ाई मिलती है वो हाथ का खुशबूजी इतना अच्छा बनाते हैं, कीमा कीमा सॉरी, इतना जबरदस्त बनाते हैं कीमा कीमा। आप डाइट पे थे ना? जी मैं डाइट पे। तो खाने की बात नहीं करते? अब तो मैं हाई प्रोटीन डाइट, बाल गिराती है। सर ये सरफराज, बाल गिरे हैं। इस सरफराज के बारे में क्या कहते हैं सर, ये जो सब किया आपका, तो कीपिंग से, गोल कीपिंग से, आइस हॉकी से बड़ा ताल्लुक रहा है ये सरफराज जो है, इसका देखें इससे लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स मैन की बात है, सरफराज को सोचना चाहिए कि जो शाहीन है बसेरा किए हुए हाथ में गेंद है उसकी भी इज्जत करे। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, नो बॉडी शेमिंग। सर जब देखे ना आप पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है तो क्रिकेट में व्हाई नॉट इन क्रिकेट, वहां तो बनता ही अग्रेशन। लेकिन इसमें बॉडी शेमिंग का सही, मैं ये पूछना चाह रहा हूं शेमिंग की भाई सर? नहीं नहीं, ये देखे ना आप, एक दूसरे को बाउंसर किया है, बाउंसर ये एक बॉलर का हथियार है।
ये भी एक हथियार है यूनिटी बॉलर का, ये ज्यादा मुनासिब है कि ये उसको जब आप इतना रिस्ट्रिक्ट कर दोगे वो कैसे गेंद को सीम करेगा कराची लाहौर। और इनका मुकाबला जो है वो मजेदार इसलिए है, कराची को जीतना है। अगर कराची को अब आगे बढ़ना है तो कराची अब अपने ज्यादा मैचेस हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। आई थिंक एक आध दो उनके लिए टफ मैच है कराची के लिए, लाहौर की टीम क्यों अभी जब लास्ट इनका आमना सामना हुआ था तो वो मैच लाहौर ने जीता था। लेकिन लास्ट ईयर जो है वो जब फाइनल में मिले थे तो वो कराची जीता था। तो अगर टीमों के हिसाब से बात करें और इस वक्त देखें कि कौन भारी है इन दोनों में, तो यहाँ पर भारी जो है वो लाहौर कलंदर से। और वहां आपने भारी कर दिया, वहां पर भारी मुझे लगता है कि पेशावर जलमी शायद ज्यादा जोश के साथ आएगी। और शोएब मलिक उनके एक्सपीरियंस खिला रही है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी टीम को, अब कप्तान नहीं है लेकिन फिर भी फ्रंट से लीड करें, बाकी वहां प्रयास तो है ही मामूल। ठीक, और आपके ख्याल में कौन भारी है सर? मेरे ख्याल में जो भाई है वो है मोहम्मद बिन सलमान, उसमें तो कोई शक नहीं। और दूसरे नंबर पे खत्ते में भारी है वो, नो डाउट। अगर जिस मुल्क में देखें, आप पेशावर को डाल दिया, आपने जलमी को डाला, कराची को डाला, ये रियाज को डालते हुए मौत आती थी। मलिक रियाज को नहीं, रियाज शहर जो है उसकी भी एक टीम डाल लो। रियाद। अच्छा ठीक है, क्विक ब्रेक खाती है, वापस आते बी स्पोर्ट्स पे। इस वक्त आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स में खालिद पर, क्विक ब्रेक। जी वेलकम। टीम ज्यादा बेहतर है। अच्छा टीम ज्यादा बेहतर, टीम ले एक था उलमा काउंसिल के अंदर जो था। जी जी, आपका बहुत बड़ा। तीसरा है फिटनेस मॉडल का। अच्छा वो तो तीसरा। आप मुझे इंट्रोड्यूस कराएं फिटनेस मॉडल। फिटनेस मॉडल सर, ये हमारे भाई जो है बड़े दिनों से वेट कम, अभी कह रहे बढ़ गया 10 किलो इनका। बढ़ गया है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको डाइट का प्लान बनाया कर दिया जाएगा। उस प्लान के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपकी कैलोरी डेफिशिएंसी में जाना पड़ेगा। आप बताए क्या कर लेंगे नाइट? पता नहीं प्लान क्या देते, प्लान तो बताए सर इनको। सुबह शाम क्या पीना खाना? अगर सुबह आप जैसे एग खाते हैं, एग वाइट, मैं तो शुगर मुर्गा एग लेता हूँ, आप लोगों को पता नहीं। शुगर मुर्गा अंडा बहुत सर बड़ा है, बड़ा है आजकल तो कहते हैं वो लेना चाहिए, मुर्गी का अंडा तो वैसे जा लिए। अंडा खाना चाहिए, नाश्ते में ले ले। उसके साथ आप सैलेड, ग्रीन्स, उसके अलावा आपने आपने कैलकुलेशन ये बना ली है कि प्रोटीन हाई, कार्बेट कम। कार्बेट तो खा सकते हैं, कार्बेट में ऐसी चीज़ क्या कम, ज्यादा से ज्यादा कार्बेट में क्या होगा, ये लॉ ऑफ मोशन हो जाएंगे आपको। सर चले अंदर पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, आज के मैच बड़े अहम है अश्विन साहब। और अशरफी से मुझे पता नहीं क्यों वो अशरफी हैं याद है, अशरफी साहब भी साथ बैठे। हाँ। तो अब बताइए जरा पिच रिपोर्ट क्या कहती है, कौन पहले खेलेगा तो फायदा होगा, टॉस का कितना एलिमेंट है? पहले मैच में तो यही है, जो टॉस जीते वो पहले बॉलिंग करे, उसको अच्छा। उसको अगर थोड़ा बहुत एज अगर चाहिए तो वो पहले मैच में। दूसरे मैच में होता ये है, अगर सेम पिच पे मैच हो रहा होता है ना तो वो पिच ऑलरेडी जितनी वो अगर वो थोड़ी भी मुश्किल थी ना वो और मुश्किल होती जाती है, वो स्लो होती जाती है गेम के लिहाज से। अच्छा। कि स्कोर्स जो है वो और कम होने लगते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर जो दूसरे मैच में टॉस जीते वो भी कोशिश करें कि वो कोशिश करें कि वो पहले बैटिंग करके, क्योंकि लास्ट इनिंग्स में मुझे लगता है कि और मुश्किल बर्बाद। हाँ बिल्कुल मुश्किल, कोशिश करें और टाइम निकालें। आप क्या कहते हैं सर पिछले? सॉरी भाई मैं बार बार ये नहीं हुआ है ये एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज हाँ बताए ना सर
पिच रिपोर्ट के पिच जो भी हो गए वो बात पिच की नहीं चावलों की पिच नहीं पिच 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 आप तो पीने वाली पिच की बात मेरे ये पिच वो तो पिच है स्टार्च आपने वर्ड गलत यूज किया फिटनेस के आदमी नहीं है तो गलत मैं आपको करेक्ट कर देता हूं पिच तो उर्दू का वर्ड है सब पिच भी हां पिच वो जो है उसके जो पिच निकालते हैं चावलों की उसका स्टार्च दोपहर को खाना है वो रात में ना खाए अच्छा रात में फिर आवत जावत लगी रहेगी आपकी और वॉशरूम का एक मुकाबला रहेगा ठीक है आप क्या कहते हैं सर ये जो पार्लियामेंट में हुआ आप एक बड़ा आपका वो बैकग्राउंड वो आप उनके बारे में कुछ फरमाते हैं उनको कुछ ऐसे घर पार्लियामेंट एक जैसे हम कहते हैं मौजूद जगह एंड स्टफ लाइक दैट देखें ये इतनी ही मौजूद है तो ये आपस में कुतकुतारियां क्यों शुरू हो गए उधर हाँ सर वाकई ये इन्होंने बिल्कुल और मुझे जो गुस्सा आया है वो आया है ये परवेज खदक साहब पे कोने में खड़े हुए हैं भाई हमला हो रहा है आप भी अटैक करो उन्होंने एक पर्चा उठा के शीरी मजारी तो सुना वो अलग सीन कर रही है नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं है देखें आप पूरी दुनिया में जाएं गाजिया हर कोई देता है मैं भी देता हूँ आप भी दे दें हम निजी जिंदगी में यही होता है ज्यादा अच्छा लेना वो है जो आवाम के करीब है और आवाम यानी कि जुड़ गए उसे क्योंकि आवाम भी गाली देती है वो भी गाली हाँ गाली देना जो है वो गुनाह का काम है वो नहीं देना चाहिए और बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं जो हम जिसका शिकार है जैसे अक्सर लोग तौबा नौज बिल्ला अल्लाह ने माफ करे शराब पीते हैं यार बहुत बुरी बात है राइट है पकड़े जाते हैं भाई जब ऐसा काम करना है तो पकड़े ही नहीं जाओ मेरी बात तो ये दूसरी बात ये है कि आप जो है अपने किसी दोस्त से जुगाड़ करो जो बाहर रहता हो वो आएगा एफआईए से आपने जुगाड़ की बोतल बाद ये भी है ये सर ये जो केक शेक खाते इनकी मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ अक्सर ये केक और ये वो कौन सी है सर वो बड़ी एक्ट्रेस है हमारी बड़ी मुझे बड़ी पसंद है कौन क्या नाम है मुझे ये बताया या तुझे कसम है नाम बताया बिलाल अशरफ सर मुझे वो नहीं वो बिलाल अशरफ तो आपको पसंद है मैं उस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ वो लड़की जो है कौन सी लड़की ऐसी कौन सी छोकरी आ गई जिसको मैं हाथ जोड़ता हूँ इनके सामने तो बिल्कुल हाथ जोड़ता हूँ नहीं सर वो मैं कह रहा हूँ केक खा रहे थे कल मैंने कहा केक में तो कैलोरी होती है ना सर ताहिर अशरफी केक में कैलोरी और अक्सर अगर जब आप जवान लोग हो कहीं बैठे हुए हो कोई यू नो डे पे वो समथिंग है और अगर आपके साथ कोई ये नहीं कह समझ लो कहना नहीं चाह रहा मैं नहीं है तो आप जो है वो जज्बात में ज्यादा खा लेते हो इसकी कोशिश करेंगे ना करें आप मीठे को कंट्रोल करें मीठों से दूर रहे वो ना खाएं किस दोस्त के सबके मीठे घूम यार मुझे क्यों लग रहा है डबल मीनिंग बात नहीं 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 तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आज के मैच के बारे में मैच मैं एक चीज व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज मैं मोहम्मद आमिर को देखना चाहता हूं उन्होंने ट्वीट भी शायद कर दिया था कि मिसबा जवाब दे सकते हैं उनकी सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पे बट उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बैक नहीं कर रही है जो उनकी स्टेटमेंट है हमको तो इट्स हाई टाइम या तो स्टेटमेंट चेंज कर लें या फिर इतना ही कुछ टाइम रह गया 5-6 दिन नहीं रह गए ब्रोस ब्रोस क्या आप लोगों का कोई लॉयर जानने वाला है क्यों सर खैरियत है मुझे जो है वो बच्चे पीते हैं ना ग्राइंड वाटर जो पी के टुल हो जाते हैं बच्चे बच्चे टुल जाते उस पे मेरी तस्वीर किसी ने दो सपोले पकड़े हुए लगा दिए हैं मैं उन पे केस करना चाहता हूँ ये भाई आपने जो इनको पकड़ा है ये जो सांप पकड़े हैं ये तस्वीर आपको इसने दी है बच्चों ग्राई वाटर पे तस्वीर होती बचपन में सर जी आपका बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब हमारी इंस्पिरेशन है आपने जिस तरह वजन कम किया है इसमें कोई शक नहीं बस मैं यही कहूंगा कि प्लीज एवरीवन हु आर वाचिंग मी लाइव राइट नाउ प्लीज क्विट स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड प्लीज ड्रिंक मोर वाटर ये बहुत जरूरी है सस्टेनेंस के लिए फजान भाई आपका बड़ा शुक्रिया थैंक यू आपका आज कल देखते हैं कि क्या होता है आज देखते हैं क्या होता है फिर हम आगे आपके आमिर वाली बात भी देखते हैं 5-6 दिन रह गए आमिर के बाद पिछले दिन हो जाए ना मैं पता नहीं मैं खातियों का टोला क्या है शहर में आप सो गया That's all for today, खातिर और उसके बच्चे बेबी आज के लिए इतना ही जाके मैच देखें कल दोबारा मिलते हैं That's all.